गृह मंत्री अमित शाह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 13 नवंबर को अमित शाह आजमगढ़ जाएंगे। यहां वो विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जिस जगह पर विश्वविद्यालय बनना है वो आजमगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है। कि हर एक क्षेत्र में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास के बाधक के रूप में देखा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में मरीजों की संख्या अब 50 के पार हो गई है। वायरस का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य महकमा के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सबसे पहला मामला 23 अक्टूबर को मिला था, उसके बाद एक एक करके केस बढ़ते गए। 4 नवंबर यानी दिवाली के दिन सबसे ज्यादा 30 जीका वायरस के मरीज मिले। जौनपुर में पटाखा जलाने को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। मामला मछली शहर के शादीगंज मोहल्ले का है, जहां दिवाली की रात दो गुट भिड़ गए। दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि पिटाई से एक शख्स जमीन पर गिर पड़ा, उसको गंभीर चोटें आई हैं। अलीगढ़ के बन्ना इलाके में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जो आज मारपीट में बदल गया। जहां मारपीट हो रही थी वो संकरा रास्ता था, आसपास कई दुकानें थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम हो गया। मारपीट के दौरान ये समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन किस पर हमला कर रहा है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव में एक शख्स की हत्या हो गई। मामला अजगैन इलाके का है। आरोप है कि शराब नशे में धुत कुछ लोगों ने एक परिवार से मारपीट की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल भी हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा। वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। अमेठी में एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। मामला जामो थाना इलाके के भवानीगढ़ गांव का है। पिता को शक था कि उसकी बेटी ने 1,000 रुपए चोरी किए हैं। आरोप है कि चोरी के शक में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कहा कि पिटाई से नहीं, गाड़ी से गिरने से उसकी बेटी की मौत हुई है। चंदौली पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 8 स्विफ्ट डिजायर, 1 स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है। पूछताछ से पता चला है कि एमपी से गाड़ी चोरी करके लाते थे और वाराणसी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर गाड़ी बेचते थे। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो वाराणसी के रहने वाले हैं। एक आरोपी वाराणसी एआरटीओ का डाटा ऑपरेटर है। पुलिस के द्वारा एक इनपुट था कि एक कार का जो चोरी का गैंग है हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर हमारी स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और कोतवाली की जो टीम है उसको हमने लगाया गया। क्योंकि कोई स्पेसिफिक ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं थी, उनके द्वारा 9 गाड़ियाँ जो कि चोरी की हैं और उनको बरामद किया गया, जिसमें स्विफ्ट डिजायर, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ हैं और इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हरदोई के निजामपुर में फायरिंग से हड़कंप। आरोप है आली नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक के साथ एसपी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में एक शख्स डूब गया। डूबने की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने रामगंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कई घंटों तक तलाश के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चला।